इसराइल ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण को अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी के साथ मिलकर इसराइल ने इसका परीक्षण किया। आपको बता दें कि इसको एरो 2 इंटरसेप्टर बताया जा रहा है। परीक्षण के बाद देश के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसको पूरी तरह से सफल बताया गया है। इसकी जानकारी देते हुए इसराइल के रक्षा मंत्री बेनी गंटज ने कहा कि ये परीक्षण सुनिश्चित करता है कि इसराइल अपने दुश्मनों से एक कदम आगे सोचकर काम और इंतजाम करता है। उनके मुताबिक इस परीक्षण ने इसराइल की ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को करवा दिया है, जो हर वक्त उस पर हमला करने की रणनीति बनाते हैं। एरो 2 एक मल्टीलेयर प्रणाली का हिस्सा है। इसको विकसित करने के पीछे इसराइल का मकसद गाजा और लेबनान जैसे देशों से दागी जाने वाली कम दूरी की मिसाइलों और मीडियम रेंज के रॉकेट से सीमा की रक्षा करना है। आपको बता दें कि इसराइल के पास पहले से ही आयरन डोम, डेविड स्लिंग आदि पहले से शामिल है और अब एरो 3 प्रणाली भी शामिल हो गई है, जो वायुमंडल के बाहर से आने वाले खतरे का मुकाबला करने में सक्षम है। इसराइल और अमेरिका ने पिछले साल संयुक्त रूप से एरो 3 का परीक्षण अलास्का में भी किया था। इस प्रणाली को इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग ने मिलकर विकसित किया है। ये प्रणाली जनवरी 2017 से ऑपरेशन में है और एरो 2 का इससे भी ज्यादा समय से इस्तेमाल किया जा रहा है और हाल के सालों में सीरिया की मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए इसकी तैनाती की गई है। इसराइल ने इस मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम को भविष्य में होने वाली लड़ाइयों को ध्यान में रखकर डेवलप किया है। एरो रॉकेट प्रणाली को लंबी दूरी की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। ये प्रणाली वायुमंडल के बाहर से आने वाले खतरों को खत्म कर सकती है। इसराइल के रक्षा मंत्रालय में मिसाइल रक्षा संगठन के प्रमुख मैशो पिटल ने कहा कि इसराइल के लिए ईरान एक बड़ा खतरा है, लेकिन एरो 2 इराक, सीरिया या कहीं और से आने वाली मिसाइलों को भी सफलतापूर्वक नष्ट कर सकता है। यानी कि अमेरिका और इसराइल की क्षमताओं से विकसित एरो 2 मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि एक घातक हथियार बन चुका है। दोस्तों, भारत को भी इसराइल के साथ मिलकर इसी तरीके के एयर डिफेंस प्रणाली पर काम करना चाहिए, जिससे कि भारत यहां पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत कर सके। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।